भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का दावा करने वाली हरियाणा सरकार अब भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने से बच रही है। पिछले 11 महीने से अब तक 60 अधिकारियों को हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ट्रैप कर चुका है। ऐसे में सरकार द्वारा केस चलाने की मंजूरी न दिए जाने से विजिलेंस ब्यूरो चार्जशीट दायर नहीं कर पा रहा है। इसका फायदा उठाकर ट्रैप किए गए भ्रष्ट अधिकारी जमानत का लाभ लेकर बाहर घूम रहे हैं। हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो के एक अधिकारी के मुताबिक जिन अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करना है उनमें एचसीएस अधिकारी भी शामिल हैं और उनके अलावा कार्यकारी अभियंता, डीटीओ, एसएमओ, राजस्व अधिकारी और स्कूल प्रिंसिपल शामिल हैं। 2001 से 2004 में एचपीएससी मामले को छोड़कर विजिलेंस से ये सभी मामले जनवरी 2022 से नवंबर 2022 में ही दर्ज किए। ऐसे में सरकार के द्वारा अधिकारियों के खिलाफ 3 महीने गुजर जाने के बाद भी केस दर्ज करने की मंजूरी नहीं दी है। इससे विजिलेंस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रही है जिसकी वजह से भ्रष्ट अधिकारी जमानत का फायदा ले रहे हैं। बता दें कि केस दर्ज करने की मंजूरी के इंतजार में एक सबसे पुराना मामला भी है। इसमें 2001 से 2004 के बीच एचपीएससी द्वारा भर्तियों में धांधली की गई थी। विजिलेंस ने इस मामले में जिन अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी मांगी थी उनमें आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्य भी शामिल हैं। उस समय रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और तत्कालीन आयोग के सचिव हरदीप सिंह का नाम भी शामिल है। ऐसे में फिलहाल सरकार द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने से बचने और प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करने की हवा हवाई बातों को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।